गुड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर CUET प्रिपरेशन में। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी रिव्यू करने वाला हूँ MGP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा और कौन कौन से ऐसे कोर्स है जिसमें नॉन CUET यानी कि दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। यहाँ के कॉलेजों में कितने परसेंट छात्रों का प्लेसमेंट होता है और आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जुड़ी हुई कुछ कैंपस फोटो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का मेन कैंपस। और भी कुछ आप फोटो देख सकते हैं, ये है प्रतिमा महात्मा ज्योतिबा फुले का। आगे बात करें अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो UP BEd का एग्ज़ाम भी कराती है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे टोटल 507 कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं यानी कि एफिलिएटेड है। 563 कॉलेज एफिलिएटेड हैं और टोटल 56 जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट है यानी कि सरकारी हैं, और 507 ऐसे कॉलेज हैं जो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं यानी कि प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर हम बात करें यहाँ के कोर्सेज के बारे में तो यहाँ पे सभी प्रकार के कोर्सेज हैं, UG PG MA MSc MCOM BTEC MTEC MBA BCA BBA सभी प्रकार के यहाँ के कॉलेजों में कोर्सेज होते हैं और PhD भी यहाँ पे होता है। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है जिसके बारे में आप डिटेल देख रहे होंगे और आगे भी मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। अगर हम बात करें कोर्सेज के बारे में तो CUET के थ्रू कुछ कोर्सेज में एडमिशन होगा जैसे कि BTEC के कोर्सेज में और BTEC के कुछ लेटरल एंट्री कोर्सेज में यानी कि जिसमें एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है CUET UG के थ्रू होगा। और BTEC में एडमिशन JEE मेन के थ्रू भी होगा, दोनों ही कोर्सेज। अगर JEE मेन से सीटें बचेंगी तो CUET के थ्रू एडमिशन होगा। दोनों ही एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस एग्जाम में कंसिडर किए जाएंगे BTEC के एडमिशन में। वहीं अगर हम बात करें MBA में तो MBA में भी सेम आपका वहीं रहेगा, CUET PG का जो MBA है उसके थ्रू ही आपका MBA में भी एडमिशन होगा। और मोस्ट ऑफ द कोर्स में या तो डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन होगा जैसे पहले होता था या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा जो कि यूनिवर्सिटी खुद अपना आयोजित करती है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर हम बात करें मेडिकल के कोर्स के बारे में या फिर MTEC में, तो MTEC में आपका जो एडमिशन होगा वो GATE के थ्रू होगा। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसका जो मेन कैंपस है जो कि बरेली शहर में स्थित है वो 206 एकड़ में स्थित है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। और टोटल इनके जो कैंपस है उसमें लगभग 5,511 स्टूडेंट हैं और टोटल इनके 5.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट है टोटल इनके कॉलेजों में मिला करके। अगर हम बात करें यहाँ के कॉलेजों के बारे में तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो भी कॉलेज हैं इनका जो कॉलेजेस होते हैं वो UP के 9 ज़िलों में सीमित है, यानी कि 9 ज़िले हैं ऐसे जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के कॉलेज रन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के एलिजिबिलिटी फ़ीस डिटेल सिलेक्शन के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BTEC है उसका फ़ीस है 1.65 लाख और इससे लेके यहाँ पे 3.01 लाख के बीच में। यहाँ पे एडमिशन आपका होगा JEE मेन और CUET UG के मार्क्स पे और आपका जो काउंसलिंग होगा वो UPSC के काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा BTEC के कोर्स में। BTEC का जो लेटरल एंट्री है वो भी इसी तरह से होगा, CUET के UG और UG के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। आप CUET के पोर्टल पे भी जाके सारे डिटेल को चेक कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज का आप डिटेल देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सिटी जितने भी BEd कोर्सेज हैं, BEd में जितने भी UP में BEd होता है वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। अगर हम UP के MBA के बारे में बात करें तो MBA भी आपका एडमिशन CUET PG जो कि MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू होगा और काउंसलिंग आपका UPSC के थ्रू काउंसलिंग होगा। इसका जो फीस है वो लगभग 1 लाख रुपये है। MSc का आप डिटेल देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर हम ओवरऑल रेटिंग की बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे 357 स्टूडेंट द्वारा दिया गया है, या यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट नहीं है, ऑल ओवर जितने भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इनके कॉलेज हैं अलग अलग विभाग के वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3.6 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं वो एवरेज मान रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.5 स्टार के बीच में यहाँ पे 31% छात्रों ने दिया है और 3 टू
फोर स्टार यहाँ पे दिया है 43% छात्रों ने, जिसे आप लोग औसत दर्जे की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। कैंपस में प्लेसमेंट में यहाँ पे 3.1 स्टार दिया गया है, यानी कि कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे सारे ही कॉलेजों को कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सारे कॉलेजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में कोई आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के एफिलेटेड कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनका मैंने रिव्यू पढ़ा अलग अलग वेबसाइट पर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्लेसमेंट नहीं है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हो जाता है छात्रों का, अगेन ये 20-30% ही है प्लेसमेंट रेट। और जो स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगता है वो एवरेज पैकेज लगता है 4-9 लाख के आसपास है। ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ का जो मेन कैंपस है या फिर जो भी यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं वो छोटे मोटे कंपनी ही यहाँ पे विजिट करती है, यानी कि लोकल स्टार्टअप जो होते हैं जिनका टर्नओवर कुछ करोड़ या लाखों में ही केवल होता है, वहीं हायर करती हैं। और आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी कंपनी आपको बड़े ऑफर नहीं दे सकती। यहाँ पे 4-9 लाख लिखा है, लेकिन वास्तव में 1.5 लाख और 2 लाख का भी पैकेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगता है।